है ना, कि नाक बहुत जरूरी है। नाक साफ नहीं, नाक का सुर नहीं तो गायकी प्रॉपर नहीं। ठीक है, तो ओं बोलिए, और ओं को स्पष्ट बोलने के लिए हल्का सा नाक को सिकोड़े, ऐसा। जब ये सिकोड़ेंगे तो स्पष्ट साउंड आएगा, ओं करके देखिए। हाँ, जैसे ही मुंह ये ऐसे सिकुड़ता है तो स्पष्ट साउंड आता है, वरना तो ओं ऐसे भी बोला जा सकता है, पर एक ओं ऐसे बोलोगे तो प्रॉपर निकलेगा साउंड, और प्रॉपर निकला तो गले में प्रॉपर बैठेगा, तभी सुर में आएगा। अ अक्षर है। सेकंड पॉइंट है ऊ, उसी लाइन में लिखिए जो आपने एरो बनाया ना, उसमें पहला अ फिर छोटा ऊ, फिर बनाना है ओ, फिर चौथा अक्षर है ओ लिखकर उस पर एक अनुस्वार, एक बिंदी लगाइए जिसे हम पढ़ेंगे ओ, और आखिरी है म लगा के उस पर हलंत लगा दीजिए। ये पांच अक्षर हैं। संगीत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का एकमात्र उपाय संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप घर बैठे लाइव क्लास लेते हुए संगीत सीख सकते हैं। तो ये हम पिछली क्लास का सम अप हो गया। अभी अब ये बात करते हैं करना क्या क्या है। एक शब्द लिखिए, वो अपने आप में सिर्फ एक अक्षर नहीं पूरा शब्द है, ओम। प्रणव अक्षर उसे कहा जाता है ना। वैसे देखा जाए तो वो एक लेटर है, इसीलिए उसको प्रणव यानी सबसे प्रथम अक्षर बोला जा रहा है, लेटर है, लेकिन वो अपने आप में एक शब्द है। जैसे गो, गो एक वर्ड है ना इंग्लिश वाला GO, लेकिन गो अपने आप में एक सेंटेंस भी है ना, उसके अलावा आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उसी तरह से ओम, ओम अक्षर नहीं अपने आप में एक शब्द है, क्योंकि उसका अपने आप में संपूर्ण मीनिंग है। प्रणव अक्षर है, उसके फायदे, ये हमारा पहला रियाज होगा। रियाज के कई चरण हैं, उन पर भी हम आएंगे। पहले हमने डिस्कस किए बेनिफिट्स, सेकंड हमने डिस्कस किए प्रिकॉशंस, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं रियाज में करना क्या क्या है, व्हाट टू डू इन रियाज, ये हमारी हेडिंग है ना। ओम का रियाज, ये सबसे पहला रियाज है। बहुत सारे रियाज करेंगे हम, जिम जाते हैं लोग, जिम जाते हैं, जिम में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक एक्सरसाइज से सब कुछ नहीं हो जाता, होता है क्या भाई? अगर एब्स बनाने तो उसकी अलग एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स या बाइसेप्स बनाने अलग एक्सरसाइज है, शोल्डर्स बनाने अलग एक्सरसाइज है, चेस्ट की अलग एक्सरसाइज है, लेग डे अलग होता है, थाइज की अलग एक्सरसाइज है, सबकी अलग अलग एक्सरसाइज है हर मसल की, है कि नहीं? उसी तरह से वोकल में भी कई सारे रियाज होते हैं। जो मैंने बोला ना, लोग कहते हैं रियाज किया करो, अरे भाई रियाज करना क्या है वो तो बताओ। तो क्या करना है, मैं बहुत सारे रियाज होते हैं। सबसे पहला रियाज आता है ओम का रियाज। अब ओम के नीचे एक एरो बनाओ, ओम को सेंटर में लिखो, पहला पॉइंट बनाओ ओम का रियाज, और उसके बाद ओम को सेंटर में लिखो, हेडिंग डाल के जवाब में ओम सेंटर में लिखो, और ओम से पांच लाइंस निकालो। सबसे पहले मिड में दो ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, और उन दोनों के बीच में एक इक्वल लाइन होनी चाहिए, है ना, पूरे सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री पर भी मैं किसी दिन चर्चा करूंगा, क्योंकि संगीतकार को सिमेट्री भी आनी चाहिए। ओम के आपने पांच लाइनें बना दी। अब सबसे पहले पॉइंट में लिखिए अ, अ अक्षर है। सेकंड पॉइंट है ऊ, उसी लाइन में लिखिए जो आपने एरो बनाया ना, उसमें पहला अ फिर छोटा ऊ, फिर बनाना है ओ, फिर चौथा अक्षर है ओ लिखकर उस पर एक अनुस्वार, एक बिंदी लगाइए जिसे हम पढ़ेंगे ओ, और आखिरी है म लगा के उस पर हलंत लगा दीजिए। ये पांच अक्षर हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं ये मैंने क्या किया है? वर्ण विच्छेद किया है। अगर इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद। संधि करना मतलब मिला देना, वर्ण विच्छेद यानी उस वर्ण के टुकड़े करना, और वर्ण संयोग यानी उसको दोबारा जोड़ के बना देना, और इसी को हम संधि विच्छेद भी कहते हैं। तो ओम शब्द के टुकड़े किए गए हैं इन पांच, और ये पांचों क्या हैं? कैन यू टेल मी? अ ऊ ओ ओम, ये किस प्रकार के अक्षर हैं? स्वर हैं, बिल्कुल। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वॉवल्स, वेरी गुड। तो ओम के रियाज में अ ऊ ओम के टुकड़े किए, उसमें एरो करके लिखो, हाइफन लगा के लिखो, वॉवल्स का रियाज। अब वॉवल्स का रियाज क्यों करना होता है?
जैसे कि मैंने बताया कि प्रणव अक्षर ओम है, सबसे पहला अक्षर ओम है, उसी तरह से इंसान का इवोल्यूशन अगर देखा जाए, लैंग्वेज और वर्ड्स से पहले अगर देखा जाए, तो सबसे पहले इंसान के मुंह से जो साउंड्स निकले थे वो वॉवल्स थे, जहां वर्ड्स बने भी नहीं थे। वर्ड्स बनते ही किससे हैं? वॉवल्स से। वॉवल्स नहीं होंगे तो कोई वर्ड नहीं बन सकता, इसीलिए हम सबसे पहले वॉवल्स का रियाज करते हैं, जिसे हम कहेंगे स्वरों का रियाज। स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से वॉवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना? तो कॉन्सोनेंट्स में वॉवल्स मिला के ही तो वर्ड्स बन रहे हैं, है कि नहीं? कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स मिला के वर्ड बनता है, है ना? स्वर और व्यंजन मिला के कोई शब्द बनता है। उसी तरह से संगीत में भी जो गा रहे हो, क्या गा रहे हो? वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स, शब्द ही तो गा रहे हो, तो उनका रियाज जरूरी है, है ना? इसमें बहुत सारे रियाज होते हैं, जिसमें सेकंड रियाज होता है 12 खड़ी का रियाज, उस पर आएंगे तब और मालूम चलेगा कि कैसे स्वरों को ही गाना है, शब्दों में, अक्षरों में, भाषा का व्याकरण जानना है। पर पहला रियाज जो आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ वॉवल्स का रियाज है, अ उ ओ ओ वॉवल्स का रियाज आपने लिखा। अब लिखिए अ प्लस उ क्या बनता है, संधि अगर होती है इसकी, अ प्लस उ तो आपका तीसरा अक्षर बनता है जो वहां लिखा हुआ है ओ, अ और उ को मिलाया जाता है तो ओ बनता है, है ना? और ओम जब हम बोलते हैं तो ओम आप बोल के देखिए, ओम, तो इसमें क्या हो रहा है, ओ बोलते समय एक नासिका की आवाज आती है, आप देख रहे हैं ओम में ऊपर चंद्रबिंदु लगता है, और वो कब लगता है, जब हम ओ बोल रहे होते हैं, तो चौथा अक्षर ओ। वैसे ओम के और भी संधि विच्छेद होते हैं, इसमें बीच में कोई लोग ई भी मिलाते हैं, है ना, पर हम वो नहीं ले रहे हैं, ये मेरे पिताजी के द्वारा इतना ही निकाला गया चीज है, ये वैसे ग्रंथों की चीज है, शास्त्रों की चीज है कि ओम का संधि विच्छेद क्या है, ओम का रियाज क्यों करना चाहिए मेडिटेशन में या संगीत में, है ना? लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि सिर्फ ये 5 अक्षर ही काफी हैं, बीच में ई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रामेटिकल है, व्याकरण के तौर पर है, पर संगीत में ओम बोलते समय ई कहीं आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या, है ना? लेकिन ग्रामेटिकल उसे जोड़ते हैं तो लोग ई भी जोड़ देते हैं, पर यहां बोलने में नहीं आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल करना कोई अगर नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? अनावश्यक हम उसको ना बोलें। वैसे करने को हम ई का भी करेंगे, जब 12 खड़ी करेंगे तो 12 स्वरों का रियाज करेंगे, 12 होते हैं कि नहीं, वॉवल्स हिंदी में 12 होते हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, तो अ प्लस उ हो गया ओ, और ओम बोलते समय ओ की एक बिंदी लगती है, नासिका में आवाज जाती है, नेजल नॉइज आती है, वो है ओ, तो अ उ ओ ओ और हम मकार है, है ना? तो वॉवल का रियाज हो गया, उसी का एक और डैश लगा के एक और पॉइंट लिख लीजिए, हमिंग का रियाज, जो लोग करते हैं ना हमिंग का रियाज करते हैं, तो वो हमिंग का रियाज भी इसी में आ गया। हमारे इस ओम के रियाज में, पहले रियाज में क्या क्या आने वाला है वो सब हमें मालूम होना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना, हर चीज सोच समझ के करना कि भाई ये ओम का रियाज कर रहे हैं तो इससे क्यों, क्या रियाज है ये, क्यों कर रहे हैं हम? सिर्फ मैंने बोला इसलिए कर रहे हो, लोग कहते हैं इसलिए कह रहे हो, समाज कह रहा है इसीलिए कह रहे हो, कर रहे हो, या बुद्धि है? बुद्धि लगाकर ही करनी, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं तो कर दिया, यही परिपाटी है तो कर दिया, ऐसे नहीं, हर चीज को करने की वजह होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? हम साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो दिमाग लगा के करेंगे कि क्यों करी जा रही है, क्योंकि सोचा तो फायदे उसके उस अकॉर्डिंग होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है? तो ओम के रियाज में ये 5 अक्षर का बेनिफिट आपको मालूम चला कि ओम बनता है इससे। तो हमिंग का रियाज हो गया, अब ये 5 वॉवल्स को आपको एक ही सुर पर बोलना है, ठीक है? एक बार इन 5 वॉवल्स का रेसिटेशन, सिर्फ पढ़ंत, गाना नहीं, रेसिटेशन मुझे करके बताइए। पहले मैं बता देता हूं, अ उ ओ ओ हम। जब इनका प्रोनंसिएशन, उच्चारण, रेसिटेशन प्रॉपर होगा तभी इनका असर होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बस यूं ही बोल दिया, यूं ही नहीं बोलना है, 5 का स्पष्ट साफ आपको प्रोनंसिएशन बोलना है। जब हम हमिंग कर रहे हैं, मकार बोल रहे हैं, तो अंदर दांतों को मत मिलाना, सिर्फ होंठों का साउंड होना चाहिए। जब 2 होंठ आपस में मिलेंगे तब जाके हम ये साउंड निकलेगा, डेप्थ है उसमें, अंदर से आएगा, है ना? वरना वो खोखला साउंड है, वो नहीं होना चाहिए। वोकल प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, हमारा मुंह कितना खुलता है उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वरना साउंड का प्रोनंसिएशन बिगड़ जाएगा। अ है ए नहीं, या आ नहीं, या अ नहीं, अ। अगर मैं बिना मुंह खोले बात करूंगा तो ऐसा साउंड आएगा, कितनी अजीब आवाज लगती है, कि मैंने ये जो सोचा है, दांत पीस के बोलते हैं, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह एप्ट खुले, माकूल खुले, कि ज्यादा भी नहीं, क्या ऐसे भी नहीं फाड़ना है ना? मुंह का बहुत ख्याल रखना होता है। ये लोग सोचते हैं कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ऐसे ही गा लिया, ऐसे ही नहीं गाया। मुंह कितना खुला है
उस यही तो प्रोजेक्शन है ना, अंदर से क्या बाहर आ रहा है, आवाज़ बाहर आ रही है, आवाज़ आने का माध्यम क्या है, ये है मुंह, जितना खोलोगे उतनी बाहर आएगी, बिना मुंह खोले मैं बात करता हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोल क्या रहा हूँ, मुँह नहीं खोल रहा तो आपको क्या समझ आएगा मैं क्या बोला और आपको भी क्या समझ आएगा, है ना। स्पीड कुछ भी थी, मुँह कितना ही खोल दिया आपको कुछ समझ नहीं आया, है ना। स्पष्टता चाहिए, मुँह ज़्यादा खोलो, तो अ ज़्यादा नहीं खोला है, अ इतना, अ अ ऐसे भी बोला जा सकता है, अ और एक अ, है ना। उच्चारण, पहले उच्चारण फिर सुर, जिसे हम कहते हैं पहले पढ़ंत फिर निकास, रेसिटेशन देन एग्जीक्यूशन, है ना। ये पहले भी बताया हुआ मैंने कि पहले पढ़ंत फिर निकास होगा, फिर गाओगे, पहले पढ़ो अच्छे से, अ उ, क्योंकि ये वॉवल्स हैं, इनमें होंठों और हवा के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सीधे सीधे कंठ से निकल रहे हैं, तो मुंह का शेप बराबर होना चाहिए। अगर मुंह का शेप कम है जैसे अ तो भी नहीं आएगा, आ तो भी नहीं आएगा, अ एप्ट होना चाहिए। ऊ, होंठों का आकार देखिए, होंठों से ऊ बनता है कि नहीं, ऊ हर एंगल से देखिए, जब तक होंठ बाहर नहीं आएंगे तब तक ऊ बोला नहीं जाएगा, है ना। ये जब रियाज आप सवेरे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई नहीं देखने आ रहा है कि कितने सुंदर दिख रहे हो या कितना बिगड़ रहा है मुंह, है ना। तो मुंह के शेप पर मत जाना कि यार ये तो मैं भद्दा दिखेगा, वो शर्म झिझक लिहाज किसी का नहीं करना रियाज करते समय, है ना। थोड़ी सी बेझिझक बेबाक होना चाहिए आदमी, तब जाके कलाकार बनोगे। एक्सरसाइज में अगर सोच लिया कि यार मुझे सिटअप्स लगाने या स्क्वाट्स लगाने तो मुझे इतना बैठना पड़ेगा तो मेरी बॉडी का शेप कैसा बनेगा, लोग देख के हंसेंगे, तो हो गया कल्याण फिर, हैं। अगर मुझे बाहर निकलना है, धूप है, तो मैं चेहरा अगर ढक लिया तो यार लोग अजीब समझेंगे कि कैसा काला काला बन के घूम रहा है, चेहरा पे मास्क लगाएगा, तो हो गया कल्याण फिर, तो धूप के टैनिंग हो जानी आपको, है कि नहीं। कि भाई अगर सर्दी है तो फैशन है, अगर मैंने पूरे कपड़े पहन लिए तो भाई मज़ा कैसे आएगा, लोग मुझे देखेंगे कैसे, अट्रैक्टिव लगूंगा मैं, है ना। तो ठीक है, सर्दी लग के फिर आना घर में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में ये नहीं देखा जाता है कि शेप क्या है, साइज़ क्या, मैं दिख कैसा रहा हूँ, कैसे नहीं देख रहा हूँ, सौंदर्य के लिए नहीं कर रहे हम ये काम, है ना, हम कर रहे हैं अभ्यास के लिए। तो मुँह का शेप की कोई झिझक नहीं, ठीक है। ऊ में होंठ बाहर आने चाहिए, तो आने चाहिए, तभी साउंड आएगा, वरना आपका जो ऊ है उसमें वो स्पष्टता नहीं है, वो स्पष्टता नहीं, क्लैरिटी नहीं, तो डेप्थ नहीं। डेप्थ लानी है तो स्पष्टता लाइए। ऊ बोलिए, ओ ओ ओ, अब चौथा अक्षर है ओ। अब ओ बोलते समय नासिका चाहिए, जिसे कहते हैं ना नाक से आवाज आती है, भाई नाक कितनी इंपॉर्टेंट है मालूम है एक सिंगर के लिए, नाक नहीं होती तो हिमेश रेशमिया नहीं होते, है ना, वो आदमी फेमस हुआ नाक की वजह से, तो नाक जरूरी है। ये एग्जांपल मेरे पिताजी अक्सर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डिमीन करने के लिए किसी को नीचा दिखाने के, पर एक ऐसी हास्य के लिए, है ना, कि नाक बहुत जरूरी है, नाक साफ नहीं, नाक का सुर नहीं तो गायकी प्रॉपर नहीं, ठीक है। तो ओ बोलिए, और ओ को स्पष्ट बोलने के लिए हल्का सा नाक को सिकोड़ें, ऐसा, जब ये सिकोड़ेंगे तो स्पष्ट साउंड आएगा, ओ करके देखिए, हाँ, जैसे ही मुंह ये ऐसे सिकुड़ता है तो स्पष्ट साउंड आता है, वरना तो ओं ऐसे भी बोला जा सकता है, पर एक ओं ऐसे बोलोगे तो प्रॉपर निकलेगा साउंड, और प्रॉपर निकला तो गले में प्रॉपर बैठेगा, तभी सुर में आएगा, है ना। फिर आपका पांचवा अक्षर क्या है, म नहीं है, वहां ऐसा नहीं कि म, ऐसे नहीं बोलना है, हम, उसमें हल्का सा ह मिला हुआ है, हम, है ना, खाली हम्म, एक तो है हम्म और एक है हम्म, है ना, दो साउंड्स हैं, एक तो हम्म और एक हम्म, फर्क है दोनों में, है ना, हम्म, उसमें ह मिला हुआ है, तो ह मिला के बोलना है, अ उ ओ अ हम्म, ठीक है। तो हम फर्दर और डिस्कस करेंगे इन पांचों का, अच्छे से रेसिटेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हें सुर में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे ये मैं अभी पहली काली से बोल के बता रहा हूं, सुर में बोला, अभी तो मैंने अधूरी अधूरी सांस में बोला, आपको पूरी पूरी सांस में एक एक अक्षर बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है, चलिए, शब्बा खैर, मिलते हैं।